हाय दोस्तों, आपका ये टेक में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने म्यूजिक प्लेयर में कुछ इस तरीके का स्पीकर लगा सकते हैं। चाहे जैसा स्पीकर लगाना हो लगा सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर सर्कल। जिस तरीके का आप स्पीकर लगाना चाहे अपने म्यूजिक प्लेयर में, उस तरीके का आप लगा सकते हैं। अगर आप मतलब म्यूजिक प्लेयर के जो साउंड है दोस्तों चेंज करना चाहते हैं, साउंड में इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो भी आप आसानी से साउंड में इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आप भी कुछ स्ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को वॉल पर सेलेक्ट करना भी न भूलिए, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं चलता हूं अपने फोन के होम स्क्रीन को, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, मैं फोन के होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं इस एप्लीकेशन पर सिंपल सा क्लिक कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे वेलकम टू स्पेक्ट्रोलाइजर, इसके नीचे दिखाई दे रहा है एग्री। एग्री पर मैं सिंपल सा क्लिक कर लेता हूँ। एग्री पर सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलाउ स्पेक्ट्रोलाइजर टू एसेस फोटोज मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। अलाउ पर सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। अलाउ पर सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे स्पेक्ट्रोलाइजर दिखाई, इसके नीचे दिखाई दे ओके। ओके पर सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। ओके पर सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा एल्बम फोल्डर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है। आप अपने म्यूजिक को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपल सा बैक हो जाइए, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप मतलब म्यूजिक प्लेयर आपका यहीं पे, सारा म्यूजिक आपका यहीं पे, आपका ऑडियो सॉन्ग सारा यहीं पे है। दोस्तों, जैसे मैं एक पर क्लिक कर लेता हूँ। एक पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप देखिए आपका म्यूजिक तो प्ले हो चुका है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्पीकर भी है जो देखने बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप दूसरा स्पीकर चाहते तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ दिखाई सर्कुलर में चाहते सर्कुलर में, यहाँ पे अगर चाहते वर्टिकल में चाहते वर्टिकल में। अगर आप वर्टिकल करते कुछ इस तरीके का आपका स्पीकर चलेगा जो देखने बहुत खूबसूरत बहुत कूल होगा। दोस्तों, देख सकते हैं। अगर आप दूसरा चाहते तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल चाहते तो हॉरिजॉन्टल में भी आपको मिल सकता है। देख कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल मिल जाता है जो देखने पर बहुत खूबसूरत बहुत कूल लगेगा। अगर आप एक बार लगाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको देखने, म्यूजिक सुनेंगे, साथ ही साथ स्पीकर भी स्टाइलिश आपका होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप दूसरा स्पीकर चाहते हैं और स्पीकर चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक कर लेने का अगर सेंसर थ्रू कर देंगे दोस्तों, आप मतलब अपने फोन को जिधर मूव करेंगे उधर ही आपको फोन मूव होगा। दोस्तों, आप सेंसर थ्रू इसे चला सकते हैं म्यूजिक को। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा स्पीकर चाहते हैं तो अगेन इसी पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने का अगर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर देने के बाद देख सकते कुछ इस तरीके का आपका साउंड होगा। यहाँ देखिए देख सकते कुछ इस तरीके का आपका साउंड होगा जो देखने बहुत खूबसूरत बहुत कूल होगा। अगर आप और भी चेंजेस करना चाहते यहाँ से जाके चेंज कर सकते, कुछ इस तरीके का आपने साउंड को बना सकते हो दोस्तों, जो देखने बहुत कूल बहुत खूबसूरत देख सकते हैं, कुछ अमेजिंग तरीके का लग रहा है। अगर आप दूसरा चाहते दूसरा भी आप यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कर दें कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टिव नुमा आपका चलेगा जो देखने बहुत कूल होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मतलब आपको और अच्छे अच्छे मिलेंगे, जिस पर चाहते उस तरीके का कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपने स्पीकर को चेंज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट पर सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। साउंड इफेक्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा मेन इफेक्ट, यहाँ पे सिंपल सा ऑफ है, यहाँ क्लिक करके इसे ऑन कर लीजिए। पहले ऑन कर लेने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा इक्विलाइजर दिखाई दे रहा। यहाँ देखिए आपको 7000 HZ दिखाई दे रहा, 20000 HT दिखाई दे रहा है। आप मतलब यहाँ पे साउंड इफेक्ट चाहते तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए इसमें, तो आप देखेंगे साउंड में कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसको चेंज कर लीजिए अपने अनुसार। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को बूस्ट करना चाहे वॉल्यूम बूस्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ से वॉल्यूम घटा सकते हैं, देख सकते हैं, अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, जैसा करना उस तरीके वॉल्यूम कर सकते हैं। आप यहाँ सिंपल सा बैक हो जाइए। यहाँ पे प्ले करके मैं दिखा देता हूँ क्या इसके साउंड में चेंज हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे प्ले कर लिया। देख सकते हैं साउंड में चेंजेज हो चुका है। इसी तरीके से आप साउंड में चेंज करना साउंड में चेंज कर सकते हैं। स्पीकर चेंज करना हो तो स्पीकर चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। यहाँ सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद यहाँ सिंपल सा ओके पर क्लिक कर लीजिए। ओके पर सिंपल सा क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर शेयर करना हो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। कैंसिल पर क्लिक कर देने का यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते बढ़ा सकते, घटाना चाहे घटा सकते हैं। अगर आप ये डिक्रीज कर देंगे वॉल्यूम, देख कुछ इस तरीके का आपका साउंड होगा। देखिए साउंड कम हो गया है। अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो साउंड इंक्रीज हो जाएगा।
कुछ इस तरीके का आपका साउंड इंक्रीज डिक्रीज यहीं से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।